आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज बीए प्रथम वर्ष भूगोल विषय के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या की जाएगी। इसमें विशेषकर प्लेट विवर्तनिकी एवं पर्वत निर्माण वाले टॉपिक का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। इससे पूर्व इस अध्याय में अनेक तथ्यों का वर्णन कर लिए हैं हम लोग। प्लेट किसे कहते हैं, प्लेटों का इतिहास किसे है, प्लेट के किनारे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे धरातल पर पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ या सागर नितल प्रसरण या नए भूभाग का निर्माण इत्यादि का अध्ययन हम लोगों ने इससे पूर्व के अध्याय में कर लिया था। साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की भी पुष्टि प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा होती है। प्लेटों के गति द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन, पूर्व में हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स विधि से अध्ययन कर लिया था। कैसे पहले सारे महाद्वीप एक भाग में संयुक्त रूप से थे जिन्हें पेंजिया कहते थे, बाद में इनका विखंडन हुआ, फिर संयोजन हुआ, फिर विखंडन हुआ, फिर अफ्रीका एशिया पश्चिम अफ्रीका के भाग अलग हुए, फिर बीच में हिंद महासागर का विस्तार हुआ, प्रशांत महासागर का सिकुड़ा, फिर अटलांटिक महासागर, मतलब अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ। ये इस प्रकार के अध्ययन हम लोगों ने पूर्व के भाग में कर लिए। आपको प्रारंभ में बताया गया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स विधि से पर्वत निर्माणकारी शक्तियों का या पर्वत निर्माणकारी पर्वतों का निर्माण, महासागरीय नितल का प्रसरण, महाद्वीपों का विस्थापन इत्यादि जो भूगर्भिक हलचल हैं उनका वर्णन हम लोगों ने इससे होना या इस विधि द्वारा होना बताया था। तो आज हम लोग प्लेट विवर्तन की एवं पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जितने भी धरातल पर या पृथ्वी पर वलित पर्वत पाए जाते हैं, वलित रूप में जो पर्वत हैं या नवीन प्रकार के जो पर्वत हैं, उनका निर्माण चक्रीय रूप में हुआ है, साइक्लिक रूप में। जितने भी वलित पर्वत हैं या जितने भी नवीन पर्वत हैं, चाहे हिमालय हैं, रॉकी हैं, इंडीज हैं या इस प्रकार के जितने पर्वत हैं, उनका निर्माण चक्रीय विधि से हुआ है। पर्वत निर्माण क्रिया तथा उसका चक्रीय विकास प्लेट विवर्तन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूप्लेटें को संयोग, भूप्लेटों के आपस में मिलने से या कॉम्बिनेशन से तीन प्रकार के प्लेट होते हैं। पहला महाद्वीप, महाद्वीप प्लेट, जहाँ पर महाद्वीप महाद्वीप प्लेट मिलते हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट बताया गया था आपके पूर्व के इस प्लेट टेक्टोनिक्स अध्याय में कि इंडियन प्लेट एशियाटिक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है, धंसता जा रहा है और एशियाटिक प्लेट हल्के होने की वजह से इंडियन प्लेट के ऊपर फैलता जा रहा है। देखिए, जो अधिक घनत्व की प्लेट होगी वो कम घनत्व को के अंदर तक समाहित हो जाएगी, तत्पश्चात कम घनत्व की प्लेट अधिक घनत्व के किनारों पर जो प्लेट हैं उन पर विस्तृत हो जाएगी, फैल जाएगी। तो आज भी हम देख सकते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत के अंतर्गत या पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों के अंतर्गत जितने भी प्लेटों के संयोजन प्रदेश हैं, वहाँ पर महाद्वीपों पर कहीं ना कहीं जब भी इस प्रकार की घटनाएँ, विवर्तनिक घटनाएँ होती हैं, वहाँ भूकंप का आगमन या ज्वालामुखी का आगमन सामान्य तौर से देखने को मिलता है। तो महाद्वीप महाद्वीप प्लेट, महाद्वीप महासागर प्लेट, महाद्वीप महासागर प्लेट, अटलांटिक महासागर प्लेट एवं अमेरिकन प्लेट, ये भी आपस में टकराते हैं, और महासागरी महासागरी प्लेट, ये तीन प्रकार की प्लेटें होती हैं जिनसे आपस में संचलन होने पर कहीं ना कहीं विनाशकारी या रचनात्मक या संरक्षित किनारों का निर्माण होता है। इसे हम लोग अब आगे के स्लाइड में देखते हैं
किस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती हैं और कैसे पर्वत निर्माणकारी कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन फोटो आपको दिखाए गए, इसमें देख सकते हैं आप। अगर हम प्रथम फोटो की बात करें, यहाँ ये फर्स्ट फोटो की बात करें, तो यहाँ देखिए आप किस प्रकार से ओशियनिक प्लेट, ये देखिए यहाँ पर ये जो सागरी प्लेटें हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब कि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होती जा रही है, धंसती जा रही है। आप इसको देख सकते हैं, ये सी लेवल है, ट्रेंच ओशियनिक क्रस्ट, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वोल्केनो, मैग्मा और मेंटल, और ये मैग्मा जनरेशन, यहाँ पे ये मेंटल एस्थेनोस्फीयर, यहाँ मैग्मा का जनरेशन हो रहा है। अब देखिए जब दोनों प्लेट यहाँ पे क्या है, पहले वाले में महासागरी प्लेट हैं और महाद्वीपीय प्लेट हैं, आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है। तो इसमें जैसे बताया गया आपको पहले कि जो भी भारी घनत्व की प्लेट होगी वो हल्के घनत्व के प्लेट के नीचे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी और फिर अभ्यंतर तक चली जाएगी। तत्पश्चात जो हल्के घनत्व की प्लेट हैं, या यहाँ पे आप देखिए इस उदाहरण में या इस फोटो में, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर तक आश्रित हो गई है, आकृष्ट हो गई है या ऊपर तक चढ़ गई है। तो मैग्मा इज जनरेटेड एट सबडक्शन जोन, यहाँ पर मैग्मा जनरेट हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी के अंतर में जाते हैं हम लोग, तापमान में वृद्धि होती रहती है और मैग्मा का जनरेशन यहाँ पे दिखाया गया। एट सबडक्शन जोन वेयर डेंस ओशियनिक प्लेट्स आर पुश्ड अंडर लाइट एंड लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यहाँ पर मैग्मा का निर्माण हो रहा है और हल्का जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो कम घनत्व का है उसके अंदर अधिक घनत्व के ओशियनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, अंदर धंसती जा रही है। ये तो पहला हमारा है। इससे क्या होगा, फिर मैग्मा के जनरेशन से भी क्या होगा, जहाँ भी मैग्मा बन जाएगा और जहाँ भी ऊपरी परत धरातली परत जहाँ भी कमज़ोर होगी या किसी कारणवश अगर इनमें दरार हो गया या जहाँ पे कमज़ोर भाग हो गया और यहाँ पे मैग्मा चैम्बर बढ़ता गया, गैस बनते गए, तो गैसों के दबाव से ऊपरी आवरण का कोई भी तत्व जो भाग है वो जहाँ पे दरार है वो फट जाएगा या दरारी उद्भेदन से मैग्मा निकलने लगेंगे और यहाँ पे आपको वोल्केनो का निर्माण या वोल्केनो ज्वालामुखी दिखाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे संयुक्त भाग है दोनों का, जहाँ पे दोनों प्लेट आपस में मिलती हैं और जहाँ पे हल्का भाग भारी भाग के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पर कुछ हिस्सों में दबाव से पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों के निर्माण के साथ साथ भूकंपीय हलचल भी होगी, क्योंकि दोनों प्लेटें आपस में मिल रही हैं। निश्चित तौर पे जब भारी प्लेट नीचे जाएगा, सबडक्ट होगा, उस समय भूगर्भिक हलचल होगी ही और कहीं ना कहीं भूकंप आएगा ही इस बेल्ट में, चाहे तीव्रता वाली हो या हल्का हो या कहीं ना कहीं होगा। आज भी हम देख सकते हैं हिमालय क्षेत्र में या उत्तर भारत में हमेशा कहीं ना कहीं भूकंप आता ही रहता है, उसका कारण ये। अब दूसरा देखिए, ये दिखाया गया है टिप ऑफ इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट। जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको कि इंडियन प्लेट उत्तर की ओर अग्रसर हो रही है और साथ ही साथ ये घनत्व में अधिक होने की वजह से, भारी होने की वजह से ये यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट होती जा रही है, धंसती जा रही है। अब देख सकते हैं इसको दो भागों में किया गया है। यहां पर इंडियन प्लेट वेरी ओल्ड रॉक 2 to 2.5 billion ईयर्स ओल्ड, जैसा मैंने पूर्व बताया था, यहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है यहां पर रिपीटिशन हो जाए, कि जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो स्थिर एवं दृढ़, रिजिड एंड कठोर, बहुत कठोर है ये और स्टेबल है। रिजिड एवं स्टेबल होने की वजह से इससे यह इंगित होता है कि यह भूभाग या यहाँ का धरातलीय क्षेत्र अति प्राचीन भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग रहा है,
और उत्तर भारत का नवीन द्वीप क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है या प्रायद्वीपी भाग है, ये माना जाता है कि इनमें पहले भूकंप नहीं आएगा। प्राचीन काल में, प्राचीन समय तक यह माना जाता था कि ये बिल्कुल स्थिर हो चुका है, इनमें मूवमेंट नहीं होगा, कोई टेक्टोनिक्स गति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जिस समय 1967 में कोयना का भूकंप आया, उस समय यह अवधारणा बदल गई कि दक्षिण भारत में भी भूकंप आ सकता है। कोयना का भूकंप देख लीजिए, लाटूर का भूकंप देख लीजिए, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि जो पुरानी अवधारणा थी उसे भी अब बदल गया है, वो चेंज हो रहा है। क्योंकि पुरानी अवधारणा ये थी, ये स्टेबल हो चुका है, इनमें अब टेक्टोनिक्स प्रकार की गतियां नहीं होंगी। लेकिन भूकंप ने यह सिद्ध कर दिया कि यह क्षेत्र भी अभी अस्थिर है। और यहां यह दिखाया गया है अति प्राचीन रॉक, वेरी ओल्ड रॉक, 2.5 बिलियन, 1 बिलियन में 10 करोड़, तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व का यह क्षेत्र है। और यह क्षेत्र टिप का भाग जो है, ये दोनों का मिलन भाग है, इंडियन और एशियाटिक प्लेट का, या आप बृहद रूप में यूरेशियन प्लेट कहिए, वो लगातार इंडियन प्लेट घनत्व में अधिक होने की वजह से, भार में अधिक होने की वजह से, तत्वों के निर्माण भारी पदार्थों से होने की वजह से ये सबडक्ट हो रहा है। इसमें यहाँ दिखाया गया है ये धसता जा रहा है, और धसने के साथ साथ देखिए दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। और यहाँ का यूरेशियन प्लेट इस प्लेट के ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये टिप ऑफ इंडियन प्लेट है, इसके ऊपर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट चढ़ता जा रहा है। और चढ़ते जाने से क्या हो रहा है बाद में देखेंगे आप, ये तो बिफोर का है, आफ्टर में क्या हुआ, ये राइजिंग हिमालय, राइजिंग टाइबेटियन प्लेटू, तिब्बत के पठार का उभार, पहले ऐसा नहीं था, देखिए यह क्रस्ट था यहाँ पर, तिब्बत के पठार का उभार, हिमालय का उभार, ये इनके एशियन प्लेट के ऊपर यूरेशियन प्लेट के चढ़ने की वजह से और इसके धसने की वजह से, धसने से यहाँ पे मैग्मा जनरेशन होगा, ये और गर्म होकर और अंदर जाएगा, और अंदर जाने पर यह भाग संकुचित होकर के, मुड़ करके, फोल्ड होके यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता जाएगा। ये तो हमारा एक उदाहरण है, यहां देखिए दो उदाहरण हो गए, पहला था महासागरी प्लेट और महाद्वीपी प्लेट, अब दूसरा हो गया महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेट, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपी प्रकार का है, इंडियन प्लेट भी महाद्वीपी प्रकार का है, यहां पर हो गया। और तीसरे में दिखाया गया है, अब देखिए इसमें सेल्स के बारे में दिखाए गए हैं, ये मिगमेटाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट, स्लेट, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ बल क्या हो रहा है, जो फोर्सेस हैं दोनों एक दूसरे की ओर ही हैं। तो जो भी भाग है, और यहाँ पार्ट ऑफ फॉर्मली सबडक्टेड क्रस्ट, इस क्रस्ट के अंदर जो क्रस्ट हुआ है, सबडक्ट हुआ है, उसका दिखाया गया है, ये टेम्परेचर लगातार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ने से आप ये देखेंगे ऊपर ऊपर की ओर कहीं ना कहीं यह भाग वलित होता जा रहा है, फोल्डेड होता जा रहा है, ये फोल्ड होने से क्या होगा, धीरे धीरे देखिए और ऊंचे बढ़ता जाएगा, और ऊंचे बढ़ने से इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे दोनों बल एक दूसरे की ओर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे पर लग रहे हैं, लगने से क्या होगा, बीच का भाग या किनारे का भाग, मध्यवर्ती भाग दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से इनमें उभार आएगा, उभार पड़ने से कहीं ना कहीं कालांतर में ये पर्वत का निर्माण होगा। ये इनको हम लोगों ने तीन प्रकार से, तीन फोटो के माध्यम से देखा, इससे यह विदित होता है, यह सिद्ध होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स विधि से वलित पर्वतों का, देखिए यहाँ पे जो हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो रहा है, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, ये इसे हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देख लिया। आपको बताया गया भूप्लेटें तीन प्रकार की होती हैं,
महाद्वीप महाद्वीप प्लेट इनके संयोजन से कॉम्बिनेशन से आपके एक नंबर चित्र में दिखाया गया। दो नंबर महासागर महाद्वीप में पहले फोटो में महासागर एवं महाद्वीप, दूसरे फोटो में महाद्वीप एवं महाद्वीप, और तीसरे में ये प्रक्रिया बताई गई, विधि बताई गई। अति प्राचीन जो शैले हैं, देखिए इसमें नीचे सबसे है जो उसे सबसे पुराना माना जाएगा मिग्मेटाइट, ये जो शैल है सबसे प्राचीन शैल है। ये सब अलग बात है कि ये सभी जो हैं हमारे कहीं ना कहीं आग्नेय प्रकार के इग्नाइट, आग्नेय प्रकार के रॉक्स हैं। मिग्मेटाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट, स्लेट, और यहाँ पर वो हिस्सा है जो कि तात्पर्य यह है कि यह भाग जो है महाद्वीपी महाद्वीपी वाला, ये भी दोनों महाद्वीप महाद्वीप दिखा रहे हैं, यह भाग अधिक घनत्व का है और यह भाग हल्का है, तो अधिक घनत्व का भाग इसके नीचे सबडक्ट हो गया है और लगातार अंदर जाने से मैग्मा जनरेशन से फिर ये और आते हैं, उष्मा की प्राप्ति होती है, फिर ये इनमें दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से ये पूरा होता है। तो इनमें जो दिखाया गया है महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण, अभिसरण मतलब मिलना, जब दो महाद्वीप में प्लेट महाद्वीप प्लेटें जैसे कि दो नंबर जो चित्र में दिखाया गया है परस्पर निकट आते हुए टकराती हैं तो अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट, जैसे कि यहाँ पर इंडियन प्लेट अधिक सघन पदार्थ से निर्मित हैं, कम घनत्व की प्लेट के नीचे, कम घनत्व किसका, यूरेशियन या एशियन का, क्षेपित हो जाती हैं, अंदर धस जाती हैं। आल्प्स एवं हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई थी। देखिए हिमालय का तो यहाँ पर वर्णन कर दिया गया और आल्प्स पर्वत की भी कभी चर्चा होगी, कभी देखेंगे इसमें बताया जाएगा, यहाँ भी आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति भी इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा हुई है। मेसोजोइक युग में यूरेशियन एवं इंडियन अफ्रीकन प्लेटों के मध्य में स्थित टेथिस सागर में संकुचन शुरू हुआ। यूरेशियन एवं इंडियन अफ्रीकन प्लेट में सिनोजोइक, देखिए ये सब युग के नाम हैं, जैसे भारतीय इतिहास के कालक्रमों को हम लोग युगों में बांटते हैं, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इत्यादि इत्यादि, वैसे ही पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को भी कई कालों में बांटते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा मेसोजोइक फिर सिनोजोइक, सिनोजोइक युग में महाद्वीपी प्लेटों के टकराव से, सिनोजोइक युग में महाद्वीपी प्लेटों के टकराव से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण टेथिस भूसन्नति जियोसिनक्लाइन, ऐसा मानते हैं जियोसिनक्लाइन महाद्वीपों के निर्माण के लिए आवश्यक भूगर्भिक या धरातलीय गर्त है, क्रेडल ऑफ माउंटेन, जियोसिनक्लाइन इज क्रेडल ऑफ माउंटेन। मानसून ये आपके जितने माउंटेन का निर्माण होता है कहीं ना कहीं जियोसिनक्लाइन से भी होता है या जियोसिनक्लाइन से ही होता है। जियोसिनक्लाइन या भूसन्नति के मलबे में वलन क्रिया हुई एवं आल्प्स हिमालय पर्वत बने। दोनों पर्वत का काल लगभग एक सा ही बताया जा रहा है। सिनोजोइक युग में हिमालय पर्वतीकरण से भारतीय एवं एशियाटिक प्लेटों के मध्य 500 किलोमीटर तक भूपटल संकुचित हुआ है। अफ्रीकन तथा यूरोपियन प्लेटों के टकराने से आल्प्स पर्वत बने, जैसे कि हिमालय पर्वत का दिखाया गया, वैसे ही आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो ए नंबर का मानचित्र है उसे आप, इसे तो यूरेशियन मान लीजिए, यूरेशियन, इसे अफ्रीकन प्लेट। इनके टकराने से, इनके संयोजन से आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई।
अब दूसरी स्थिति बनती है महाद्वीप महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। जब महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेटें परस्पर टकराती हैं, जैसा कि चित्र नंबर एक में दिखाया गया आपको, तो अधिक सघन महासागरीय प्लेट का किनारा, आप देख सकते हैं इसको अभी डेराइव किया जा चुका है, कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन पड़ते हैं तथा पर्वतों की रचना होती है। इसको भी बताया जा चुका है, अच्छे से दिखाया गया है फोटो में, आज भी अभी भी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार का फोटो लगा है महाद्वीप महासागर वाला। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर विस्तृत रॉकी एवं इंडीज पर्वत इसी प्रकार उत्पन्न हुए। रॉकी एवं इंडीज पर्वत महाद्वीप महासागरों के निर्माण से, क्योंकि एक तरफ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ आपके पैसिफिक प्लेट, रॉकी एवं इंडीज। अगर आपको ध्यान हो महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पे रॉकी पर्वत है, कहाँ इंडीज पर्वत है, कहाँ पे पैसिफिक ओशन है, कहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं किस जगह की बात मैं कर रहा हूँ। रॉकी एवं इंडीज में या इनकी उत्पत्ति भी महाद्वीप एवं महासागरीय प्लेटों के टकराने से हुई। मेसोजोइक कल्प में हुआ। अमेरिकन प्लेट के किनारे सागरीय अवसादों की मोटी परतें बिछी हुई थीं। अमेरिकन प्लेट के किनारे सागरीय अवसादों की मोटी प्लेटें बिछी हुई थीं। पैसिफिक प्लेट का अमेरिकन प्लेट की ओर अभिसरण हुआ। इसे हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। यहीं पर दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर सागरीय अवसादे की मोटी परतें बिछी हुई थी। अमेरिकन प्लेट के पश्चिमी की ओर सागरीय अवसादों की मोटी परत बिछी हुई थी। जब पैसिफिक प्लेट यहां पर संचरण किया तो यहां दबाव क्रिया एवं अन्य क्रियाएं जैसे एक नंबर चित्र में दिखाए गए वैसे हुई और यहां पर रॉकी एवं एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। और महासागर महासागर प्लेट का अभिसरण, दो महासागरीय प्लेटों के परस्पर टकराव से एक सागरीय पटल दूसरे सागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है। इससे उत्पन्न संपीड़न बल से द्वीप तोरण या आइलैंड फेस्टून्स तथा द्वीपीय चाप के पर्वत उत्पन्न होते हैं। जापान के द्वीपीय पर्वत, फिलीपाइंस द्वीप, मारियाना चाप, हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी द्वीप तोरण एवं द्वीपीय चाप इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं। जापान का होन्सू द्वीप जापान सागर एवं जापान ट्रेंच के मध्य स्थित है। इस पर बेसाल्ट तथा एंडेसाइट लावा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है। इस द्वीप की उत्पत्ति प्लेट संचलन के कारण पैसिफिक प्लेट का किनारा जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर महासागरीय क्रस्ट के नीचे क्षेपित हो गया, जिससे जापान खंड का निर्माण हुआ। क्षेपित सागरीय क्रस्ट 100 किलोमीटर नीचे गहराई तक पहुंच गया और अधिक ताप के कारण पिघलने लगा। इससे उत्पन्न मैग्मा ऊपर की ओर उठने लगा और इसी कारण जापान द्वीप के पश्चिमी भाग में तीव्र ज्वालामुखी क्रिया होती है, जो कि आज भी जारी है। आज हम लोगों ने प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया द्वारा पर्वत निर्माण की क्रियाओं का अध्ययन देखा।
आज चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि प्लेट टेक्टोनिक से वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। अब अगले भाग में हम लोग इससे आगे का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने इस ई लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।